जो टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो इमेजिन करो एक अर्थ जिसका रेडियस कैपिटल आर, सैटेलाइट घूम रही है इसके आसपास, और जो सैटेलाइट घूम रही है वो किसी हाइट पे घूम रही है। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला तरीका, मैं इस हाइट को h ले लूं, तो मेरा सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस h। ज़्यादातर बुक्स r प्लस h पे काम नहीं करती, ज़्यादातर बुक्स क्या कहती हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस कहाँ से हैं, फ्रॉम सेंटर, तो एक काम करते हैं इस डिस्टेंस को ही इमेजिन कर लेते हैं छोटा आर, जिसमें हाइट भी है और जिसमें आर भी है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये सेटेलाइट किस में घूम रही है, इन सर्कल। ये सेटेलाइट सर्कल में घूमेगी, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रिपेटल। अब अर्थ का मास कैपिटल एम इस सेटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब ध्यान से, छोटे आर का स्क्वायर, क्योंकि सेटेलाइट जो है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, छोटा आर, तो जी एम एम बाय छोटा आर का स्क्वायर। तो सेटेलाइट को ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रिपेटल। तो सेंट्रिपेटल का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाय छोटा आर, क्योंकि सैटेलाइट भी कितने रेडियस में घूम रही है, छोटा आर। तो छोटे आर से छोटा आर, एम से एम कैंसल, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। इस वेलोसिटी से सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमेगी, इसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है? इसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। लिख रहे साथ साथ, तो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अगर आपकी सैटेलाइट बहुत नज़दीक है सरफेस ऑफ अर्थ के, तो इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत करीब है, स्मॉल आर को अप्रोक्सीमेटली क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो अब आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी, कब छोटा आर लगाना है, कब बड़ा आर लगाना है, क्योंकि बुक्स में ये बहुत कन्फ्यूजन है। लोग क्योंकि जो ध्यान से नहीं सुनते, तो सोल्यूशन पढ़ते हो कि ये क्या हो रहा है यार, कभी छोटा आर कभी बड़ा आर, ये रिप्लेस कैसे हो रहा है। वो इसलिए रिप्लेस हो रहा है कि अगर सेटेलाइट बहुत दूर है तो छोटा आर, और अगर बिल्कुल नज़दीक है तो फिर बड़ा आर। क्लियर है? ज़्यादातर क्वेश्चन में कैपिटल आर यूज़ करते हैं वैसे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने देखा स्मॉल आर के साथ कैलकुलेशन होती हैं, क्योंकि सेटेलाइट काफ़ी दूर होती हैं। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? फिर दूसरा पॉइंट समझो। दूसरे पॉइंट में आपको ये कहा जाएगा, इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाल दो। टाइम पीरियड, एक चक्कर का टाइम निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के दो तरीके हैं, मैं दोनों के दोनों यूज करके दिखा रहा हूँ, पर मेरे को सेकेंड तरीका बहुत बढ़िया लगता है, वो तो जल्दी आंसर आता है। आप भी ऑब्जेक्टिव में सेकेंड मेथड यूज करेंगे, जल्दी आंसर आएगा। देखो कैसे। तो सबसे पहले अब हम निकाल रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये लो। तो इसका नाम है, जो टॉपिक का नाम है वो है टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। देखो टाइम पीरियड निकालने के दो तरीके हैं, एक डिस्टेंस को ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या कर दें, डिवाइड। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो आपके पास है ही है, और आर तो स्मॉल आर है ही है, पुट करके आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका। उससे बेटर तरीका बताता हूँ जो ज़्यादा चलता है, और जो नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ इसमें तरीका, वो इसमें क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स है, जो सेटेलाइट को फोर्स लग रही है वो इसके इक्वल है, और ये क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रिपिटल। मैं सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला एम छोटा आर ओमेगा स्क्वायर यूज कर दूंगा, मेरी मर्जी, एम वी स्क्वायर बाय आर की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मास से मास कैंसल, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब कर लूंगा। ओमेगा को क्या पुट करूंगा, 2 पाई बाय कैपिटल टी इज जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब, और यहां से 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज जी एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब, या टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर
आर क्यूब बाई जी एम, आपको कई ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव मार्क करने को दिख सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हैं, देखो फॉर्मूला देखने में अलग हो सकता है बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको करना है। तो आप कैसे भी कर लें, टू पाई आर बाई वी कर लें, एम आर ओमेगा स्क्वायर कर लें, कोई फर्क नहीं है, वहाँ से भी टाइम पीरियड, यहाँ से भी टाइम पीरियड तो आ ही जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो तो इसके अंदर ये देखो, हमने यहाँ से शुरू किया था तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी कर ली, मैंने स्मॉल आर की फॉर्म में की, लेकिन आपकी ज़्यादातर बुक्स में इस फॉर्म में गिवन होगा। आपकी सेटेलाइट एच डिस्टेंस पे है तो एच डिस्टेंस पे जो फोर्स है वो जी एम एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर है और सेंटीपेटल एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एच है। मैंने r प्लस एच की जगह छोटे r के साथ डेरिवेशन कर दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो मैंने इक्वेट किया r प्लस एच से r प्लस एच कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये वेलोसिटी भी ऑर्बिटल है इन टर्म्स ऑफ h। फर्क ये है कि मैंने यहाँ छोटा r पुट कर दिया था, एक ही बात है। आप कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। दोनों फॉर्मूलाज किसके हैं? ऑर्बिटल के हैं। अगर ये दोनों फॉर्मूलाज ऑर्बिटल के हैं, हाइट अगर बहुत क्लोज है, मतलब अगर सेटेलाइट बहुत नजदीक है सरफेस ऑफ अर्थ के, स्मॉल एच अप्रॉक्सीमेटली जीरो करते हुए आपके पास ये फॉर्मूला बनता है ऑर्बिटल का, तो दोनों फॉर्मूलाज ऑर्बिटल के हैं और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली उन सैटेलाइट्स की जो सरफेस ऑफ अर्थ के काफ़ी करीब है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास रहती है। पर आर नहीं है, पर सेकेंड है। ठीक, नंबर टू, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ये भी निकाला मैंने, पर मैंने किसी और तरीके से निकाला अभी, तो इसमें आर प्लस एच से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल का फॉर्मूला पुट कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, आर प्लस एच ब्रैकेट में गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर क्यू बन गया, आंसर आ गया। अब अगर टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है और सैटेलाइट अगर बहुत नज़दीक है सरफेस ऑफ अर्थ के, तो एच को अप्रॉक्सीमेटली जीरो पुट करते हुए ये वैल्यू आ गई। कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर लिया, कैंसिल किया आर आर, और आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। तो कई ऑब्जेक्टिव में सीधा टाइम पीरियड मार्क करने को आता है सैटेलाइट का, उन सैटेलाइट्स का जो कि बहुत नज़दीक हैं उनका टाइम पीरियड का 2 पाई रूट आर वाई जी फॉर्मूला है और सीधा मार्क किया जा सकता है। फिर आपको आएगी हाइट ऑफ सैटेलाइट। हाइट ऑफ सैटेलाइट में मैंने अगर छोटे आर वाला तरीका अपनाया तो गलत नहीं है, पर उससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ज़्यादा आसान है। तुम टाइम पीरियड निकाल चुके हो पीछे केस में, यहाँ से एच निकाल लें, स्क्वेयरिंग कर दो, आर प्लस एच का होल क्यूब एक तरफ कर दो, आर प्लस एच का होल क्यूब का 3 इस तरफ ले आओ तो क्यूब रूट हो गया, आर को राइट साइड पे ले जाओ तो ये हाइट ऑफ अ सैटेलाइट है। ये एनसीईआरटी के डेरिवेशन हैं जिसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाइट और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है यहाँ तक? तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।